हाँ बेटा, आज बेटा हम एक नए चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। सब बच्चे बहुत जल्दी से पहले चैप्टर नाम डालेंगे लेजर। अब देखो जनरल तो बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जनरल के बाद आज हम एक नया चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे और चैप्टर बेटा नाम दे रखा है लेजर, LEDGER लेजर। अभी हमारा चैप्टर बेटा जनरल कंप्लीट हो चुका है। जनरल के बाद एक आज हम नया चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नाम डालेंगे सब बच्चे बहुत जल्दी से लेजर। अभी बताऊंगा क्या होता है। पहले आप सभी लोग बहुत जल्दी से पहले चैप्टर नाम डालो लेजर। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है लेजर। आइए देखो मतलब क्या है, आप समझेंगे सब बच्चे बहुत ध्यान से। अभी हमने जो अपने चैप्टर बेटा कंप्लीट करा है वो चैप्टर कंप्लीट करा है जनरल। आपने जनरल एंट्री के अंदर क्या चीज देखी थी, सुनो सब बच्चे बहुत ध्यान समझना इसको। हमने जनरल एंट्री में ये चीज देखी कि पूरे महीने में हमारे पास कितना पैसा आया, पूरे महीने में हमारे पास से कितना पैसा गया, पूरे महीने में हमने कितना माल परचेज करा, पूरे महीने में हमने कितना माल सेल करा, पूरे महीने में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए, पूरे महीने में हमारी कितनी इनकम हुई, हमने ये सब चीज देखी थी। लेकिन हमें ये नहीं पता चल सका कि हमने पूरे महीने जब हमने काम करा तो पूरे महीने काम करने के बाद हमारे पास कितना कैश होना चाहिए, या हमारे पास कितना माल होना चाहिए, या हमने पूरे महीने में कितने एक्सपेंसेस करे। हमने क्या करा था जनरल एंट्री के अंदर, समझो बेटा सब बच्चे बहुत ध्यान से, हमने जनरल एंट्री के अंदर सारा सारा काम एक साथ करके छोड़ दिया। हमने उसको रिकॉर्ड तो कर दिया, मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से। हमने सारी एंट्री का जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हुए हैं, हमने सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड तो कर दिया, लेकिन ये जांच नहीं कर सके कि हमारे पास महीने के अंत में कितना पैसा बच रहा है, या हमें लोगों को कितना पैसा देना है, हमने पूरे महीने में कितना माल खरीदा, पूरे महीने में हमने कितना माल बेचा, पूरे महीने में हमने कितने एक्सपेंसेस किए, पूरे महीने में कितनी अर्निंग करी, वो सब चीज हम अभी एक जांच नहीं कर सके। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरे महीने में कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसकी जानकारी के लिए क्या बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है। लेजर का मतलब ये होता है कि जनरल एंट्री के बाद, जनरल एंट्री आप पूरी बनाएंगे जैसे बनाते हो, जनरल एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं है, जनरल एंट्री जैसे आप बनाते हो सेम बिल्कुल वैसी बनेगी। बस जनरल एंट्री के बाद क्या होता है, इनके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। जैसे कैश अकाउंट बनेगा, हमारे पास पूरे महीने में कितना कैश आया कितना कैश गया। परचेज अकाउंट बनेगा, कितनी परचेज हमने करी कितनी सेल करी, तो सेल का अकाउंट अलग बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह कि जनरल एंट्री के बाद, सभी बच्चे बहुत ध्यान समझना इसको, पहले तो जनरल एंट्री जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसी बनाएंगे, फिर जनरल एंट्री के बाद हर नाम का अलग अलग अकाउंट बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। जनरल एंट्री बनाने के बाद जितने भी नाम होंगे सभी नाम के अपने अलग अलग अकाउंट बनते हैं, जो अलग अलग अकाउंट बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लेजर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा लेजर क्या होता है। अभी मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा पूरे बना करके, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत ही आसान चैप्टर है, पूरा चैप्टर जनरल एंट्री पे डिपेंड है और जनरल एंट्री सब बच्चों को अच्छी तरीके से आई गई। इसमें कोई बहुत भारी भारी एंट्री नहीं आती है, बहुत आसान आसान एंट्री आती है। मैं आपकी शुरुआत बेटा यहां से करता हूं। आइए सब लोग जरा लेजर का पहला क्वेश्चन अच्छे समझेंगे बहुत ध्यान से। लेसन नंबर दो चल रहा है हमारा, ये हमारा लेसन नंबर दो और इसका नाम है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। मैं आपको दो चैप्टर एक साथ कराऊंगा। लेजर एक अलग चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस एक अलग चैप्टर है। अभी आपका चैप्टर सिर्फ हुआ जनरल एंट्री वाला, जनरल वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जनरल के बाद मैं आपके दो चैप्टर एक साथ शुरू करूंगा, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। आज मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा लेजर, आज लेजर पढ़ाऊंगा, कल भी लेजर पढ़ाऊंगा और परसों भी। अभी तीन दिन तो क्लास चलेगी लेजर की, फिर तीन दिन बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस, फिर ये मैं आपको एक साथ ज्वाइन पढ़ाऊंगा। हमारी छह क्लास के अंदर ये दोनों चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे जनरल एंट्री को हमें कंप्लीट करने में करीब 11-12 क्लास लग गई, जनरल एंट्री को कंप्लीट करने में हमारी 11-12 क्लास लगी, लेकिन लेजर और ट्रायल बैलेंस को करने के लिए मात्र छह क्लास के अंदर, छह क्लास में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि सारा चैप्टर क्या पे डिपेंड है, पूरा चैप्टर जनरल एंट्री पे डिपेंड है और जनरल एंट्री सभी बच्चों को आएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, आइए सभी बच्चे समझेंगे बहुत ध्यान से। सबसे पहले यहां पे है बेटा हमारा 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितने, 70,000। सबसे पहले हमने
70,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, 70,000 रुपए से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री सब बच्चे जानते ही हो। हमारा ये क्वेश्चन नंबर वन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर वन ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2020 है ये। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सबसे पहला काम होगा कि इसके अंदर ना आपको ये सारी पहले जनरल एंट्री बनानी है। सारी जनरल एंट्री बनाने के बाद फिर लेजर बनता है। तो सबसे पहला काम क्या है, जनरल एंट्री बनाना। तो जनरल एंट्री कैसे बनाओगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। बताओ बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, पहले तो जरा पहले कॉलम समझ लो। जनरल एंट्री कॉलम क्या थे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। LF की फुल फॉर्म क्या थी, लेजर फोलियो। आज मैं आपको बताऊंगा इस कॉलम का मीन्स क्या होता है। आज जो मैं आपको लेजर कराने जा रहा हूं ना, LF की फुल फॉर्म क्या होती है, लेजर फोलियो। आज इस कॉलम का मैं तुम्हें यूज बताऊंगा। तो कॉलम क्या हो गए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। बताओ पहले नंबर पे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा कब, 1 जुलाई 2020 में। तो बिजनेस को स्टार्ट करने की बताओ एंट्री क्या, बताओ क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट क्या टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। मैंने आपसे कहा था नरेशन के अंदर जिस चीज की आप एंट्री बना रहे हो बस वो एंट्री पूरी उतार दे करो आप। आपने एंट्री किस चीज की बनाई है, बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री। कितने रुपए, 70,000, 70,000 रुपए डेबिट और 70,000 रुपए क्रेडिट। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। पहले तो हमारी एंट्री क्या बन गई, बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री बन गई। बताओ बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, एंट्री कई बार आ चुके। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए, 70,000 रुपए। ये लीजिए पहली एंट्री हमारी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। अब पहली एंट्री कंप्लीट होने के बाद अगली एंट्री पढ़ो, अगली एंट्री क्या है जी हमारी, एंट्री नंबर दो। आइए सब बच्चे इधर ध्यान देंगे भाई, एंट्री नंबर दो क्या है, परचेज गुड्स ₹10,000। बताओ ये तारीख देखिए 5 जुलाई, 5 जुलाई में परचेज गुड्स ₹10,000। आपने 10,000 रुपए का माल परचेज करा है, परचेज गुड्स 10,000 रुपए का माल परचेज करा है। तो बताओ जब 10,000 रुपए का माल परचेज कर लिया तो क्या एंट्री बनाओगे, डेट वही रहेगी, डेट है इसमें 5 जुलाई, 5 जुलाई। बेटा ईयर 2020 चलेगा, ध्यान रखना। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परचेज आएगा। तो क्या एंट्री बनाओगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, माल तो हमने परचेज कर लिया और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग नरेशन बताओ, बीइंग गुड्स परचेज, नरेशन पर वो उतार दो जो आपने खरीदा है, आपने क्या खरीदा है, माल खरीदा है। तो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन के अंदर यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का, जैसे परचेज है ना, तो परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, परचेज्ड, ठीक है ना। स्टार्ट था तो स्टार्ट के क्या हो गए, स्टार्टेड। तो आपने गुड्स को परचेज करा, सभी बच्चे बहुत ध्यान समझो मैं आपको बता रहा हूं, आपने गुड्स परचेज करा तो परचेज तो हमारे पास आया और कैश हमारे पास गया। ये एंट्री बेटा हम पहली पढ़ चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अमाउंट है 10,000, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, 10,000 रुपए डेबिट, 10,000 रुपए क्रेडिट। ये होगी 5 तारीख की एंट्री। 5 तारीख के बाद फिर है 7 जुलाई में। अब ये 7 तारीख की एंट्री है, 7 जुलाई में सोल्ड गुड्स। अब हमने माल बेचा कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। ये देखो सोल्ड गुड्स ₹20,000। अब हमने 20,000 रुपए का माल सोल्ड करा है, बेचा है 7 जुलाई में। ये लीजिए अब हमने 7 जुलाई में माल बेचा है। जब माल बेचेंगे, बताओ जब माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। तो बताओ क्या एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड का मतलब हमने माल बेचा और कितने का बेचा, 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए डेबिट और 20,000 रुपए क्रेडिट। भाई जिन बच्चों ने मेरे यहां पर जनरल एंट्री पढ़ी है उनको तो जनरल एंट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लेजर तो बाद में बनता है, सबसे पहला काम है जनरल को बनाना। तो जनरल एंट्री समझ रहे ना, इधर देखो सब लोग, पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री बिजनेस को स्टार्ट करने की। मैं आपको बेटे कई बार पहले पढ़ चुका हूं, जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या एंट्री बनती है,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने दे रखा है 70,000 रुपए। फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद फिर हमने क्या करा, फिर हमने माल को परचेज करा। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। फिर थर्ड नंबर की एंट्री क्या है, थर्ड नंबर की एंट्री है गुड्स सोल्ड। जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। तो देखो कैश डेबिट और सेल हमारे पास आएगी, उसे कर दिया क्रेडिट। ये होगी 7 तारीख की एंट्री। ठीक है जी, तीनों एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। उसके बाद फिर 10 जुलाई में, फिर 10 तारीख में एंट्री, 10 जुलाई में फर्नीचर परचेज। बताओ जब फर्नीचर को परचेज करेंगे कितने रुपए, 3,000 रुपए, 3,000 फर्नीचर परचेज रुपीज 3,000। बताओ जब फर्नीचर को परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा 10 तारीख में, 10 जुलाई फर्नीचर हमारे पास आएगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर क्या है खरीदा, तो बीइंग फर्नीचर परचेज। इसका अमाउंट कितना है जी, इसका अमाउंट है 3,000। तो 3,000 रुपए डेबिट और 3,000 रुपए क्रेडिट। ये लीजिए फर्नीचर खरीदने की एंट्री बन गई। बताओ जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो सिंपल सी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर हमारे पास आया डेबिट कर दो और कैश हमारे पास से गया उसे क्रेडिट कर दो। रूल्स वही चलेंगे जनरल के जो चलते रहे हैं, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जो चीज आएगी हमारे पास उसे डेबिट करो और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे आप क्रेडिट करो। ये एंट्री होगी 10 जुलाई की, फर्नीचर खरीदने की एंट्री हो गई। अब फर्नीचर खरीदने के बाद फिर है 15 जुलाई में। अब 15 जुलाई में क्या, रेंट पेड ₹1,000, हमने रेंट पेड किया है। ये बेटा 5 जुलाई नहीं है, सही कर लेना है ना, लाओ मैं इसको सही कर देता हूं। ये 10 जुलाई है, ठीक है, ये 15 जुलाई है और ये 31 जुलाई है। हाँ बताओ, फर्नीचर परचेस करने की एंट्री बन चुकी। अब अगली एंट्री क्या है, रेंट पेड 1,000। अरे जब हम रेंट पेड कर रहे हैं कब, 15 जुलाई में, 15 जुलाई में हमने रेंट पेड किया तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस हो गया और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं डेबिट। और जब रेंट को पेड करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो रेंट पेड की बताओ क्या एंट्री बनाओगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए 1,000, 15 तारीख में एंट्री बन जाएगी 15 जुलाई में। रेंट पेड, तो रेंट हमारा हो गया एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया। नरेशन बेटेस की बनाए लोगों, बिल्कुल सिंपल सी है, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड या बीइंग कैश पेड, बात एक ही है। अमाउंट दे रखा है इसका कितने रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए डेबिट, 1,000 रुपए क्रेडिट। तो बेटा नरेशन तो सब बच्चे समझ रहे हो ना, इधर आओ देखो, इस नरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बीइंग लगाओ, बीइंग लगाने के बाद जो चीज की अब एंट्री बना रहे हो वो नाम डाल दो, बिजनेस स्टार्टेड, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, फर्नीचर परचेज, रेंट पेड, यहां आपने रेंट पेड कराया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग रेंट पेड, बिल्कुल सिंपल सी नरेशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, ये होगी 15 तारीख की। अगली एंट्री लास्ट 31 तारीख की एंट्री, और समझो 31 जुलाई, 31 जुलाई की एंट्री है कमीशन रिसीव। अब कमीशन पेड नहीं है, देखो यहां तो रेंट पेड था, जब यहां पर रेंट पेड था तो हमने रेंट दिया तो रेंट तो हमारा एक्सपेंसिव हो गया, तो एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तक कमीशन रिसीव हुआ है, जब कमीशन रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम भी तो होगी, तो हमारे पास कैश आया है, कैश गया नहीं है, कैश आया है। तो 31 जुलाई की एंट्री क्या बन जाएगी, 31 जुलाई, तो हमने कमीशन को रिसीव करा है, जब कमीशन को रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और नाम क्या है, किसके थ्रू आया है, कमीशन के, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बीइंग कमीशन रिसीव, नरेशन डाल देना, बीइंग कमीशन रिसीव रुपीज रखे 2,000 डेबिट और 2,000 क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री तो बेटा आप पहली पढ़ चुके हो, आपने तो बड़े अच्छे अच्छे स्तर की एंट्री पढ़ चुके हो, जीएसटी की, सीजीएसटी, आईजीएसटी, आप बहुत सारी एंट्री बेटा पहली पढ़ चुके हो, लेकिन ये साधारण सी एंट्री है। अभी बस मैंने आपको लेजर शुरू कराया है, अभी मैं आपको जीएसटी वाली एंट्री का भी लेजर समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम है अभी, आज हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है,
जब आज हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है तो आज हमारा मेन काम क्या है, बिल्कुल सिंपल सिंपल एंट्री जो होती है, पहले लेजर उसका स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाली एंट्री का लेजर बनाएंगे, है ना। तो देखो एक बार समझो, पहले आप ये छह की छह एंट्री देखो, पहले पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, बताओ बेटा बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने यहां पे गुड्स को परचेज करा, जब गुड्स को परचेज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज आएगा कैश जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हमने यहां पे गुड्स को सोल्ड करा, जब गुड्स को सोल्ड करेंगे, जब माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर हमने यहां पे फर्नीचर परचेज करा, जब हम यहां पे फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हमने यहां पर रेंट पेड करा, जब हमने रेंट पेड करा तो रेंट हमारा हो गया एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो क्या एंट्री बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे पास से गया। और लास्ट एंट्री है कमीशन रिसीव, जब हम कमीशन को रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, और किससे आया, कमीशन के मार्फत, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कितने रुपए हुए, 2000 रुपए। मैंने क्या नियम लिखवाए थे, ऑल इनकम क्रेडिट, जितनी भी इनकम होंगी सारी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने रेंट दिया तो रेंट तो हमारा एक्सपेंसिव हो गया, वो तो कर दिया डेबिट, और कैश हमारे पास से गया, यहां कमीशन हमने रिसीव करा है तो हमारी इनकम ही तो गई, और इनकम क्या करेंगे रूल्स के हिसाब से क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बेटा मैं समझता हूं जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले काम करेंगे, पहले सब बच्चे बहुत जल्दी से पहले आप ये जनरल एंट्री उतार लो, सभी लोग बहुत जल्दी से कॉलम खींचकर पहले जनरल एंट्री उतार लो, और बेटा फिर मैं आपको बताऊंगा इस जनरल से लेजर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले काम है सब बच्चे बहुत जल्दी से जनरल एंट्री उतारो, कॉपी कर ली बेटा। मैं समझता कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल सी है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री में कोई चेंजिंग किसी तरीके की बिल्कुल नहीं है,
सेम वही जो हम पढ़ते वाले बेटा, उससे भी आसान एंट्री मैंने आपको दी है सारी सारी है। अब देखो ये तो हमारी बन गई जनरल एंट्री। अब एक बार बताओ, जनरल एंट्री देखने के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पूरे महीने में कितना कैश आया कितना कैश गया, कहां जानकारी हो पा रही है? भाई देखना, यहां कैश डेबिट है, यहां कैश क्रेडिट है, फिर यहां कैश डेबिट, यहां कैश क्रेडिट, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है। पूरे महीने में हमारे पास कितनी परचेज आई कितनी गई, पूरे महीने में कितनी सेल करी, पूरे महीने में कितना फर्नीचर खरीदा, कुछ नहीं पता चल पा रहा। जब ये कुछ भी पता नहीं चल पा रहा तो बेटा उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर का मतलब ये होता है कि जितने भी नाम होते हैं उन सभी नाम के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लेजर बोलते हैं। तो आइए देखो, सबसे पहले नाम क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना सब बच्चे। सबसे पहले नाम क्या है, कैश। तो पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। बहुत ध्यान समझना, कोई दिक्कत आपको बेटा बिल्कुल नहीं आएगी। पहले लेजर कॉलम समझना आप सब लोग, ये टी शेप में बनता है, पहला कॉलम होगा इसमें डेट का, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला कॉलम इसमें डेट का होगा, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। बहुत ध्यान समझना सब बच्चे, ये किस तरीके से बनाया जा रहा है ना। पहले कॉलम खींचेंगे, कॉलम खींचने के बाद फिर काम किया जाता है इस पे। बस आज का दिन है थोड़ा समझने का, जो भी टाइम लगेगा आ जाएगा, है ना। तो पहले इसमें हम क्या बना रहे हैं, पहले नंबर पे इसमें क्या बनेगा, कैश अकाउंट। जो भी नाम पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर क्या नाम दिया है, कैश दिया है, तो कौन सा अकाउंट बन जाएगा, कैश अकाउंट। कॉलम पहला डेट, फिर डेट के बाद बन जाएगा अगला पर्टिकुलर्स, फिर वहां LF होता है, यहां बन जाएगा JF, जनरल फोलियो। JF की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल। अभी बताऊंगा इसका मींस क्या होता है, JF। फिर आएगा यहां पे अमाउंट, फिर दोबारा डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ये हमारी होती है डेबिट साइड, और ये हमारी होती है क्या, क्रेडिट साइड। ये ध्यान रखना, ये टी शेप में बनता है। टी का मतलब ये इस तरीके दो पार्टीशन हो गए। जब इस तरीके से यहां दो पार्टीशन हो गए तो देखो, अगर हमने थोड़ा यहां ऐसे कर दिया ना, तो ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वाली साइड डेबिट साइड कहलाएगी पूरी, और राइट हैंड साइड क्या कहलाएगी, साइड कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखो लेजर किस तरीके से बनाया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा सब बच्चे। तो लेजर पहले बताओ कि लेजर हम क्यों बना रहे हैं, लेजर का मतलब होता है अकाउंट क्यों बना रहे हैं। अकाउंट इसलिए बना रहे हैं ये चीज चेक करने के लिए कि हमारे पास पूरे महीने में कितना कैश आया और कितना कैश गया। आइए सब बच्चे बहुत ध्यान समझना। तो कॉलम क्या है भाई, इधर बताओ, कॉलम डेट पर्टिकुलर्स JF, JF की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल फोलियो। बेटा देखो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी रुके रहो थोड़ी देर के लिए, पहले कॉलम पे ध्यान दो, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, ये डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये दोगे डेबिट साइड का, फिर सेम ऐसी डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे क्रेडिट साइड के लिए। तो डेबिट साइड यहां रखेंगे, क्रेडिट साइड सारा यहां रखेंगे। यहां पे यूज करते हैं आप टू का, ये हमारी डेबिट साइड है, यहां यूज करेंगे टू का, और ये हमारी क्रेडिट साइड है, यहां यूज करते हैं बाई का। इसका लॉजिक कुछ नहीं है, आप चाहे मत भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेबिट साइड में यूज करेंगे टू का, ये टू हमें बताती है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में यूज करेंगे काय का, बाई का। इसका लॉजिक कुछ नहीं है, अगर तुम टू और बाई नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी हट चुका है वैसे, जब तुम बड़े अकाउंटेंट बन जाओगे तो तुम्हें इसमें लेजर में टू और बाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी आप बेटा 11th में आए हो तो इसलिए आपको थोड़ा लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम अपने यहां क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। आओ भाई सब लोग इधर जरा, यानी कि पूरा बोर्ड दिखाते रहना। अब देखो हम अपना कैश अकाउंट बना रहे हैं, बस इस पूरी एंट्री में बस आप सिर्फ ध्यान दो कैश पर। बताओ ये कैश कायम है, बताओ ये वाला कैश कहां पे है, डेबिट में, कितने रुपए, 70,000। इधर देखते रहो डेबिट साइड ये रही, तो हमने 70,000 रुपए कहां रख दिए, हमने 70,000 रुपए डेबिट पर रख दिए। बहुत ध्यान समझो बेटा, कोई भी बच्चा पेन में चलो बिल्कुल भी, ये हम अपना कैश अकाउंट बना रहे हैं, बस पूरी एंट्री में सिर्फ अपना ध्यान दो, बस कैश पर ध्यान दो। बताओ कैश कहां पे है, ये
ये कैसे कहां पे है? डेबिट में। तो देखो 70,000 रुपये कहां पे आ गए? डेबिट में। बताओ नाम क्या आएगा बच रहा है? कैपिटल का। तो यहां पे नाम क्या आएगा? टू कैपिटल, टू कैपिटल। कभी भी ध्यान रखना, तुम जोन सा अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा उसके अपोजिट, जो उसके अलावा जो नाम बच गया है। तो मुझे बताओ, ये देखो कैश डेबिट में, भाई सभी बच्चे इधर ध्यान दो बस, ये कैश डेबिट में 70,000 रुपये, देखो 70,000 रुपये डेबिट में आ गए, लेकिन नाम किसका आएगा? नाम कैपिटल का आएगा, और कैपिटल का नाम डाल के यहां डाल दो टू कैपिटल, कितने रुपए? 70,000। क्लियर। अगला बताओ, कैश, क्या इस वाली एंट्री में कैश है? हाँ जी हैगा। इस वाली एंट्री में कैश कहां पे है? इस वाली एंट्री में कैश क्रेडिट में है। जब इस वाली एंट्री में कैश क्रेडिट में है, तो बेटा क्रेडिट कौन सी साइड है हमारी? क्रेडिट साइड से ये रही, कितने रुपए? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये कहां रख देंगे? क्रेडिट में। और किस नाम से है? बताओ इधर आओ सभी लोग। ये देखो ये वाला कैश डेबिट में था, तो 70,000 रुपये डेबिट में आ गया, नाम किसका आ गया? कैपिटल का। ठीक है, ये वाला कैश कहां पे है? ये वाला कैश क्रेडिट में है। तो देखो 10,000 रुपये क्रेडिट में पहुंच गए, बताओ नाम किसका बच गया? परचेज का। जो नाम बच जाए वो नाम डाल दो, कैश को छोड़कर जो नाम बच जाए वो उतार दो। तो नाम क्या बच रहा है? परचेज। तो यहां क्या आ जाएगा? बाई परचेज। ये लीजिए, कितना आसान तरीका है। जो कैश डेबिट में हो उसका अमाउंट डेबिट में रखो, नाम रखो दूसरे वाला। जो कैश क्रेडिट में हो अमाउंट रखो क्रेडिट में, नाम रखो दूसरे वाला। बताओ अगली एंट्री में, तीसरी एंट्री में, भाई इधर ध्यान दो, कैश कहां पे है? ये देखो कैश डेबिट में है। तो देखो इधर आओ, 20,000 रुपये कहां पे लिख दो? तुरंत डेबिट में लिख दो 20,000 रुपये। आप 20,000 रुपये तुरंत डेबिट में डाल दो। ये हमारी क्या चल रही है? ये हमारी डेबिट साइड है। तो ये कैश 20,000 रुपये कहां पे है? डेबिट में है। तो देखो 20,000 रुपये डेबिट में आ गया, बताओ नाम किसका आएगा? बताओ नाम किसका? सेल्स का। तो यहां पे क्या आएगा? टू सेल्स, नाम यहां सेल्स का आएगा। तो देखो 20,000 रुपये किसके आगे आ गए? सेल्स के सामने आ गए। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये देखो यहां पे कैश डेबिट में है, जब ये कैश डेबिट में है तो देखो 20,000 रुपये कहां पे आ गए? 20,000 रुपये डेबिट में आ गए, और नाम किसका आ गया? टू सेल्स का। मैंने कहा था कैश को छोड़ के जो नाम बच जाएगा, 20,000 रुपये डेबिट में आ गया। बताओ अगली में, कैश, भाई इधर ध्यान दे, इधर इधर देखो सब लोग, ये देखो ये कैश कहां? क्रेडिट में है। जब ये कैश क्रेडिट, तो देखो 3,000 रुपये कहां रख दो? क्रेडिट साइड में डाल दो। बताओ नाम बताओ क्या लिखोगे? जब ये वाला कैश क्रेडिट में है, तो 3,000 रुपये अपने क्रेडिट में डाल दिए, नाम बताओ किसका? नाम किसका आएगा? फर्नीचर का नाम आएगा। तो यहां क्या डालेंगे? बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर, ये लीजिए जी। ठीक है, बाई फर्नीचर, 3,000 रुपये फर्नीचर आ गया। उसके बाद बताओ कैश, ये वाला कैश कहां है? इधर देखो, ये वाला कैश क्रेडिट में, जब ये वाला कैश क्रेडिट में है तो 1,000 रुपये रखो, 1,000 रुपये क्रेडिट में रखो, नाम बताओ। जब ये वाला कैश क्रेडिट में है तो आपने 1,000 रुपये क्रेडिट में डाल दिए, नाम क्या बच गया? रेंट। तो क्या आएगा? बाई रेंट, बाई रेंट, कितने रुपए? 1,000 रुपये। बोलो ये वाला कैश कहां पे है? ये वाला कैश डेबिट में है, तो 2,000 रुपये आपने कहां रख दिए? 2,000 रुपये आप डेबिट में रख दिए, नाम किसका आएगा? ये देखो ये कैश डेबिट में है, तो आपने 2,000 रुपये डेबिट में डाल दिए, नाम क्या बच गया? कमीशन। तो यहां पे क्या आ गया? टू कमीशन। बस इस तरीके से काम करना है बेटा। बताओ क्या दिक्कत है लेजर में? तो लेजर में हमने करा क्या है? सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझो, हमने इसमें कैश अकाउंट बनाया। क्यों बनाया अभी कैश अकाउंट? इसलिए बनाया, यहां पहले नंबर पर क्या नाम है? यहां पहले नंबर पर कैश अकाउंट है। जो पहले नंबर पर होगा, पहला खाता उसका बनता है, पहला अकाउंट उसका बनता है। जब यहां पहले नंबर पर कैश अकाउंट है, तो देखो पहले नंबर पर क्या बन गया? कैश अकाउंट। भाई एक बार दोबारा समझो, यहां कैश अकाउंट बन गया। कैश अकाउंट में कॉलम क्या होंगे? डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या होगी? डेबिट साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड है, क्या होगी? क्रेडिट साइड। तो अगर कैश डेबिट में है तो यहां रख के चलो, अगर कैश क्रेडिट में है तो यहां रख के चलो। एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, बताओ इधर आओ सब लोग, बहुत ध्यान समझो भी जरा। अब लो मैं आपको और एक तरीके से बता रहा हूं, इस पूरी एंट्री में कैश चेक करो डेबिट में कितनी बार है। डेबिट में एक, देखो कैश अकाउंट डेबिट एक, मैं डेबिट की बात कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट दो, और देखो कैश अकाउंट डेबिट तीन। बताओ राइट लग गए तीनों पे? यहां भी कैश अकाउंट डेबिट, यहां भी कैश अकाउंट डेबिट, और यहां भी। तो कैश डेबिट में कितनी बार है? तीन बार है। जब यहां कैश डेबिट में तीन बार है, कितने कितने रुपए? 70,000।
20,000 और 2,000, 70,000 रुपए, 20,000 रुपए और 2,000 रुपए, ये चेक करना भाई, 70,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2,000, तीन बार डेबिट है, तीन बार डेबिट हो गया। अब बताओ कैश क्रेडिट में कितनी बार है, इधर आओ जरा कैश चेक करो, क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में एक, कैश क्रेडिट में दो और कैश क्रेडिट में तीन, मैंने जीरो बना रखा है यहां पे, तो कैश क्रेडिट में कितनी बार है, तीन बार, एक दो तीन, कितने कितने रुपए, 10,000, 3,000 और 1,000, ये लीजिए 10,000, 3,000 और 1,000। बताओ ये कुछ नहीं है कि अगर तीन बार डेबिट में होगा तो तीन बार क्रेडिट में होगा, कभी आप ऐसे मन में बात लाने लगो, कितनी बार भी डेबिट में हो सकता है, कितनी बार भी क्रेडिट में हो सकता है। तो फिलहाल यहां पे कैश तीन बार डेबिट दे रखा है, तीन बार क्रेडिट दे रखा है, तो तीन बार डेबिट में आ गया और तीन बार क्रेडिट में आ गया। भाई मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी बच्चे को बिल्कुल होनी चाहिए, लेजर के अंदर ऐसे बनता है लेजर। तो अब ये लेजर हमें क्या बताने वाला है, मेरी बात समझिए, क्यों बनाया है ये, हमने इसलिए बनाया है कि पूरे महीने में हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, लास्ट में हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है। आओ इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। बताओ ये वो है जो हमारे पास पैसा आया, 70 और 20, 90 और 2, यहां तो आगे 92,000 रुपीज और यहां भी आप लिख दो 92,000 रुपीज, 92,000 रुपए। ध्यान रखना कितना कैश तो आया, यहां रख दो जितना यहां पे आए उतना यहां रख दो, इसमें से हमने इतने रुपए खर्च कर दिए, तो यहां इसको नाम डालेंगे बाई बैलेंस सीडी, सीडी की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट डाउन, बाई बैलेंस बी ए एल का डॉट लगा देना, बाई बैलेंस सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है क्रेडिट डाउन, क्रेडिट डाउन हमें यह बताता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा रह गया। बताओ कितने बच गए, 10 और 3, 13 और 1, 14, 14,000, 92,000 रुपीज तो हमारे पास आए। भाई इधर ध्यान दो, हमारे बिजनेस के पास 92,000 रुपीज तो आए हैं और 92 में से हमने कितने एक्सपेंस कर दिए, 14,000 हमने एक्सपेंसेस कर दिए, तो बताओ हमारे पास कितने बचे, 0, 0, 0, 12 में 4 गए 8, 8 में गया 78,000 हमारे पास बैलेंस बचा रह गया। बताओ जी अकाउंट सबको बनाना है नहीं आया, तो एक बार बताओ जरा मुझे सोच समझ के बहुत ध्यान से मुझे जवाब दो, क्या जनरल एंट्री बनाने के बाद हमें कुछ पता चल पा रहा था, हमने जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, जनरल एंट्री का मतलब होता है कि आपने सारी एंट्री रिकॉर्ड तो कर दी, आपने सारी एंट्री रिकॉर्ड तो कर दी, लेकिन इससे यह जांच नहीं हो पा रही कि हमारे पास पूरे महीने में कितना कैश आया, कितना कैश गया और कितना कैश बचा रह गया। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, उसके लिए लेजर बनाया जाता है। तो लेजर में कौन सा अकाउंट बन गया पहले, कैश अकाउंट। क्यों बना पहले नंबर पर कैश अकाउंट, क्योंकि पहले नंबर पर कैश है इसलिए क्या बनेगा, कैश अकाउंट। तो बताओ कैश डेबिट में, अब आप ये मत कहना है जी अगर पहले नंबर पर होता कैपिटल, क्या पहले कैपिटल बनता, बिल्कुल जो भी पहले नंबर पर होगा पहला अकाउंट उसका बनेगा, अभी अकाउंट ये सारे ही बनेंगे लेकिन पहले नंबर पर कैश है तो पहले क्या बन गया, पहले कैश अकाउंट बन गया। बताओ जी कैश अकाउंट सबके क्लियर हो गया ना हो गया, भाई मैं समझता हूं कैश अकाउंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कैश अकाउंट ने हमें क्या बताया, इस कैश अकाउंट ने हमें यह बताया कि पूरे महीने में हमारे पास 92,000 रुपीज तो आए हैं, पूरे महीने में हमारे पास 92,000 रुपीज तो आए हैं और इसमें से हमने 14,000 एक्सपेंसेस कर दिए, 92 में से ये वाले 14 माइनस कर दिए तो बाकी रह गया 78,000 का, क्या रह गया, बाय बैलेंस सीडी। तो एक बात ध्यान रखना, अकाउंट आपको बंद कैसे करना है, अकाउंट आपको क्लोज करना किस तरीके से है, सबसे पहला काम है इधर ध्यान दो, हमेशा पहले इसका लगाना टोटल, हमेशा पहले डेबिट साइड का टोटल लगाना, डेबिट साइड का टोटल हमेशा कैश अकाउंट में ये लगाना, कितना आ गया 92, इधर ध्यान दो जितना टोटल यहां आए उतना टोटल ये आप यहां लिख देना, जितना टोटल ये आए ठीक इसके सामने उतना टोटल यहां लिख दे करो, फिर क्या करेंगे, फिर लगा लो इन सब का टोटल और 92 में से ये सारा मिला के टोटल कितना बैठा, 14,000, 14 माइनस कर दो जो आए उसको यहां डाल दो। अब देख लो ये भी 92 हो गया और ये भी 92 हो गया, कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ का अकाउंट आपको इक्वल करना है। तो इक्वल कब होगा, जिधर कम पड़ रहा होगा, जिधर भी बैलेंस कम पड़ रहा होगा उधर क्या लिख देंगे, बैलेंस सीडी। इधर आओ जरा सब लोग, यहां 92,000 रुपीज है, आपने यहां भी 92 लिख दिया, एक बात बताओ क्या ये 92 आ रहा है, ये 92 थोड़ी ना रहा है, तो यहां बाई बैलेंस सीडी में क्या लिखें कि सब मिला के 92 हो जाए,
तो 14 तो यहां ऑलरेडी लिखे हुए, जब यहां 14 पहले से लिखे हुए तो 78 वो डाल दो, 92 हो गया अभी। तो कैसे करोगे, इस 92 में से ये वाले 14 माइनस कर दो तो कितना गया 78, 78 यहां रख दो, अब यहां भी 92 हो गया और यहां भी 92 हो गया। तो इसने हमें इस कैश अकाउंट ने हमें क्या बताया है, इस कैश अकाउंट ने हमें यह बताया कि पूरे महीने में हमारे पास 92,000 रुपीज तो आए हैं, पूरे महीने में हमारे पास 92,000 रुपीज तो आए हैं, इस 92 में से हमने 14,000 एक्सपेंसेस कर दिए, 92 में से 14 हमारे पास से गए तो हमारी जेब में बैलेंस बचा रह गया 78,000। इस कैश अकाउंट ने हमें यह बात बताई है कि हमारे पास इस समय 78,000 रुपीज बच रहे हैं। क्या जर्नल एंट्री से यह बात पता चल पा रही थी, ये बात जनरल एंट्री नहीं बता पा रही थी कि हमारे पास कितना कैश बच रहा है, ये बात कौन बताएगा, ये बात लेजर ही बताती है कि हमारे पास महीने के अंत में कितना पैसा बचा रहेगा। बताओ जी पॉइंट सब बच्चों के बेटा क्लियर रहनी है, ठीक है जल्दी बेटा सब लोग इसे कॉलम वगैरह बनाकर। अच्छा डेट, अब बात आती है डेट की, अरे जो डेट वहां है ना सेम वही डेट यहां डाल देना। बताओ कैपिटल का क्या डेट पड़ी है, 1 जुलाई, तो यहां पर क्या डेट आ गई 1 जुलाई। सेल के सामने बताओ, सेल्स के सामने क्या डेट है, ये देखो सेल्स के सामने क्या डेट है 7 जुलाई, तो यहां सेल्स के सामने क्या आ गया 7 जुलाई। कमीशन क्या आ गया, कमीशन का कौन सी डेट है 31 जुलाई, तो कमीशन के सामने कौन सी डेट आ गई 31 जुलाई। कहने का मतलब यह है कि इन एंट्री वाले जो डेट है वो डेट डाल दो। परचेज, परचेज के सामने डेट चेक करो, परचेज के सामने डेट क्या दे रखी है 5 जुलाई, परचेज के सामने क्या आ गया 5 जुलाई। फर्नीचर के सामने डेट क्या है 10 जुलाई, यहां गया 10 जुलाई। फिर रेंट के सामने डेट क्या है, रेंट के सामने 15 जुलाई, रेंट के सामने 15 जुलाई। और फिर हमने इसमें से ये सब घटाकर क्या निकाल दिया, बाई बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी हमेशा महीने की लास्ट डेट डालते हैं, महीने की लास्ट डेट जुलाई चल रही है, जुलाई क्या होता है 31 का, तो यहां पे क्या आएगा 31 जुलाई, तो बाई बैलेंस सीडी का क्या आ जाएगा 31 जुलाई आ जाएगा। बताओ जी सभी बच्चों को लेजर बनाना आ गया कैश अकाउंट, अभी सिर्फ मैंने आपको इसका क्या बताया है, बस कैश अकाउंट बताया है, अभी मैं आपको इसके बाकी बचे खाते बता रहा हूं, बाकी बचे हुए अकाउंट कैसे बनते हैं। सबसे पहला काम है जनरल, तो आपने पहले उतार लिए, जनरल उतारने के बाद बहुत जल्दी से इसका कैश अकाउंट और उतारो सब लोग बहुत जल्दी से।
हाँ बेटा सब ने कॉपी के लिए, भाई मैं समझता हूँ बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी लोगों ने बेटा कैश अकाउंट उतार ही लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो कैश अकाउंट के बाद बेटा अगला अकाउंट इसमें बनेगा कैपिटल अकाउंट, जैसे जैसे नाम आते रहेंगे बेटा वैसे वैसे इसमें अकाउंट बनते चले जाएंगे। तो देखो पहले नंबर पर कौन सा अकाउंट था, पहले नंबर पर था कैश अकाउंट, अब अगला नाम क्या है कैपिटल, जब अगला नाम कैपिटल तो कौन सा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो सेम बिल्कुल ऐसे बन जाएगा यहां पे देखो कैपिटल अकाउंट। कॉलम कोई चेंज होने के बेटा कॉलम ये रहेंगे, मैं यहां नाम डाल देंगे अपना हम कैपिटल अकाउंट, अब यहां नाम बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, बहुत छोटा बनेगा क्योंकि कैपिटल नाम एक ही बार आ रहा है, कैश तो यहां कई बार आ रहा था लेकिन कैपिटल तो बस एक ही बार आ रहा है, जब कैपिटल एक ही बार आ रहा है तो बस बिल्कुल सिंपल सा एक एक लाइन का बन जाएगा। अब यहां नाम तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं खास, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट हम एक बार लिख चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी के नीचे चलते रहना ऐसी, और यहां क्या डाल देंगे, यहां डाल देंगे कैपिटल अकाउंट, यहां काय का यूज करेंगे टू का, और यहां किस चीज का यूज करेंगे बाई का, नाम वही रहेंगे जो चलते रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किसी भी तरीके की। बेटा बताओ जब हमने बनाया अपना कैश अकाउंट तो हमने काय पर ध्यान दिया था, हमने अपने कैश पर ध्यान दिया था कि कैश कितनी बार डेबिट में है कितनी बार क्रेडिट में है। अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम अपना बना रहे हैं क्या कैपिटल अकाउंट, तो काय पर ध्यान दोगे, अब कैपिटल पर ध्यान दो। बताओ पूरे सवाल में कैपिटल कहां रहा है, ये देखो कैपिटल कहां पे दे रखा है, कैपिटल दे रखा क्रेडिट साइड में, अरे ये तो डेबिट साइड है और ये क्या होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, तो कैपिटल क्रेडिट में है कितने रुपए 70,000 रुपए, तो ये लीजिए ये हमारी डेबिट साइड चली रही है, ये तो हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो बताओ तुम कौन सा अकाउंट बना रहे हो, हम बना रहे हैं इस समय कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो काय पर ध्यान दोगे, सिर्फ ध्यान दोगे कैपिटल पर, तो मुझे बता दो कैपिटल कहां दे रखा है, कैपिटल बेटा क्रेडिट साइड में है, जब कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो 70,000 रुपए कहां पाएंगे क्रेडिट साइड में आएंगे, और कैपिटल में कैपिटल का नाम मत डाल देना, जब तुमने कैश अकाउंट बनाया, जब तुमने कैश अकाउंट बनाया क्या तुमने कहीं पे कैश का नाम डाला है, बताओ तुमने यहां पे कैश अकाउंट बनाया है, देखो कैश का नाम कहीं भी नहीं है, कैश के अलावा कैश अकाउंट में कैश का नाम कहीं नहीं है, लेकिन कैश के अलावा जो बच रहे हैं वो नाम आए, ऐसी आप क्या बना रहे हो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, जब तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो नाम कैपिटल का नहीं आएगा, जोन सा अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का नाम कभी नहीं आता है, हम यहां पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बताओ कैपिटल कहां दे रखा है, इधर ध्यान दो कैपिटल यहां क्रेडिट में है, तो देखो 70,000 रुपए कहां पे आ गए क्रेडिट में, बताओ नाम क्या बच रहा है भाई कैपिटल के ऊपर, नाम क्या है कैश, तो यहां क्या आएगा भाई कैश, 70,000 रुपए क्या आ गया भाई कैश आ गया। मुझे एक बार बताओ क्या अब यहां पे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कैपिटल है, क्या इस वाली एंट्री में कहीं कैपिटल है, नहीं है, इस वाली एंट्री में कैपिटल कहीं नहीं है, इस वाली एंट्री में कोई कैपिटल नहीं है, इस वाली एंट्री में कोई कैपिटल नहीं है, इसमें कोई कैपिटल नहीं है, पूरे सवाल में कैपिटल का नाम कहीं भी नहीं है, बस एक ही जगह नाम था, तो एंट्री भी कितनी बन गई, बस एक ही बन गई, बात खत्म। तो बताओ यहां तो अगर बाइक क्या 70,000 रुपए, अब यहां कम पड़ रहा है, मैंने कहा था जहां भी कम पड़ेगा वहां कैसे बंद करोगे, टू बैलेंस सीडी, सीडी मीन्स क्या होता है क्रेडिट डाउन, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितने रुपए 70,000, ये देखिए बस टोटल कर दो 70,000 यहां भी 70,000 और यहां भी 70,000। बताओ जी कैपिटल अकाउंट सबके समझ में आगे नहीं आ गया, कुछ है थोड़ी ना कैपिटल अकाउंट के अंदर, अरे कैश अकाउंट तो क्यों बना बड़ा, ये कैश अकाउंट में इतनी सारी एंट्री क्यों आई भैया, क्योंकि कैश तो हर एंट्री में नाम आ रहा था, लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का नाम तो एक ही जगह आ रहा है ना, जब कैपिटल अकाउंट का नाम एक ही जगह आ रहा है वो भी कहां पे आ रहा है, वो भी क्रेडिट में आ रहा है, कितने रुपए 70,000 और नाम किसका आ गया कैश का, तो देखो बाई कैश कितने रुपए 70,000, यहां तो आ गए 70,000 रुपए, और मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले जहां भी कम पड़ेगा वहां बैलेंस सीडी निकालेंगे, जहां भी कम पड़ेगा, तो बताओ यहां तो आ गए 70,000 रुपए, जब यहां पे 70,000 आ गए तो 70,000 यहां लिखो 70,000 यहां लिखो, तो यहां कम नहीं पड़े, जहां कम पड़ेंगे वहां क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है क्रेडिट डाउन, सी स्लैश डी मीन्स क्रेडिट डाउन, इस बैलेंस को सीडी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। बेटा बताओ जी कैपिटल अकाउंट सबसे क्लियर हो गया, मेरी बात समझ कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए, तो कैपिटल अकाउंट जो तुम बना रहे हो
अब जब तुम कैश अकाउंट बना रहे थे तो आपने कैश पे ध्यान दिया, अब तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो तुमने कैपिटल पे ध्यान दिया, तो कैपिटल यहां क्रेडिट साइड में है तो आपने यहां 70,000 रुपए क्रेडिट साइड में डाल दिए। देखो क्रेडिट साइड यही तो हमारी क्रेडिट साइड, और 70,000 तो यहां पे आ गए, यहां कम पड़ रहे हैं तो जिधर कम पड़ रहे हैं तो क्या डालेंगे, टू बैलेंस सीडी और दोनों तक टोटल बराबर कर दो, ये बन गए कैपिटल अकाउंट। बोलो ठीक है, तो हमारा कौन कौन से खाते बन गए, देखो मैं कट लगा रहा हूं, हमारा कैश अकाउंट बन चुका, हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका, अब बताओ अगला खाता कौन सा है जी, परचेज अकाउंट। जितने नाम आते रहेंगे सबके अकाउंट बनते रहेंगे, इन्हीं को हम लेजर बोलते हैं। अब कौन सा नाम आ रहा है, परचेज अकाउंट आ रहा है, तो कौन सा बन जाएगा, परचेज अकाउंट, ये लीजिए। अब देखो यहां पे हमारा परचेज अकाउंट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा बन जाएगा, कुछ भी नया नहीं है बेटा, सेम जैसे बनाते हो वैसे बन जाएगा। अब यहां हम डाल देंगे परचेज अकाउंट, कॉलम वही देंगे, कॉलम कोई चेंज नहीं है, पहला वही डेट का छोटा सा अकाउंट बनेगा क्योंकि एक ही बार नाम दे रखा है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फिर दोबारा डेट, हाँ डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। बताओ अब बना रहे हैं कौन सा अकाउंट बना रहे हैं जी, अब हम बना रहे हैं क्या, परचेज अकाउंट, समझ रहे हो। देखो पहले नंबर पर कैश था, कैश अकाउंट बन गया, मैंने कट लगा दिया, अगला नाम कैपिटल था, कट लग गया, बन चुका है, अगला नाम क्या है, परचेज अकाउंट बन रहा है अभी, अब ये, अब ये हमारा परचेज अकाउंट बन रहा है। जब परचेज अकाउंट बन रहा है तो काय पे ध्यान दोगे, परचेज अकाउंट में परचेज पे ध्यान दो, तरीका वही है, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब जरा ध्यान दो भी परचेज पे, बताओ परचेज कहां रहा है, ये देखो परचेज डेबिट में आ रहा है, तो 10,000 रुपए कहां पे आ गए, 10,000 रुपए डेबिट में आ गए। हम यहां परचेज अकाउंट बना रहे हैं, परचेज अकाउंट का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, अब हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं। अरे जब तुम कैश अकाउंट बना रहे थे तो आप कैश पे ध्यान दे रहे थे, जब तुम कैश अकाउंट बना रहे थे कैश पे ध्यान दे रहे थे, जब तुमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल पे ध्यान दिया, अब क्या बना रहे हो, परचेज अकाउंट, तो काय पे ध्यान दोगे, परचेज पे। तो बताओ परचेज कहां पे, ये देखो परचेज डेबिट में है, तो देखो 10,000 रुपए कहां लिख दिए, डेबिट में। अब बताओ परचेज के अलावा नाम क्या बच रहा है अभी, नीचे कैश बच रहा है, तो यहां पे क्या गया, टू कैश, ये लो बन गया परचेज अकाउंट, 10,000 रुपए आ गया। जब तुम यहां पे परचेज अकाउंट बना रहे हो तो परचेज पे ध्यान दोगे, तो वहां पे देखो परचेज डेबिट मारा है, जब 10,000 रुपए परचेज डेबिट मारा है तो आपने 10,000 रुपए डेबिट में डाल तो दिए, और परचेज के नीचे नाम क्या बच रहा है, जो नाम बच रहा है वो डालेंगे कैश, तो यहां कैश का नाम आ गया। मैंने कहा था देखो जब तुमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल नाम नहीं आने का, जब आपने कैश अकाउंट बनाया कैश का नाम नहीं डाला, तो जब तुम परचेज अकाउंट बना रहे हो तो परचेज का नाम थोड़ा डालोगे, अमाउंट तो देखेंगे परचेज का, लेकिन नाम आएगा उसके जो अपोजिट होगा। तो तुमने परचेज अकाउंट बनाया है, यहां परचेज डेबिट में है, तो 10,000 रुपए डेबिट में तो आ गए, लेकिन नाम किसका आएगा, कैश का आएगा। क्या पूरी एंट्री में कहीं और परचेज है, पूरी एंट्री में और कोई परचेज नहीं है, जब पूरी एंट्री में कोई परचेज नहीं है तो यहां तो आ गए 10,000 रुपए, इधर देखते रहो जरा भाई पेन में चलाओ, यहां तो आ गए 10,000 रुपए, तो यहां भी क्या लिखो, यहां भी लिखो 10,000 रुपए, बताओ कहां कम पड़ रहे हैं, यहां कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा था जहां भी कम पड़ेंगे उसको बोलेंगे बैलेंस सीडी, सीडी मींस क्रेडिट डाउन 10,000 रुपए, सी ओब्लिक करके, सी फिर ओब्लिक फिर डी, सी मींस क्रेडिट, डी मींस डाउन, इस वाले बैलेंस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट डाउन। बताना कहीं तो हम बैलेंस सीडी यहां रख रहे हैं, कहीं बैलेंस सीडी यहां रख रहे हैं, कहीं बैलेंस सीडी यहां रख रहे हैं, बैलेंस सीडी किधर रख रहे हैं बताओ, बैलेंस सीडी वहां रख रहे हैं जहां पैसा कम पड़ता है, बात खत्म, बस ये चीज ध्यान रखो, बैलेंस सीडी कहां रखेंगे, बैलेंस सीडी वहां रखेंगे जहां पैसा कम पड़ता है। तो पैसा देखो यहां तो आ गए 10,000 रुपए टू कैश के नाम से, जब यहां पे 10,000 रुपए आ गए तो पैसा इधर ही तो कम पड़ रहा है, तो जिधर पैसा कम पड़े उधर क्या डालेंगे, बैलेंस सीडी। बताओ जी बन गया परचेज अकाउंट, बताओ बेटा पॉइंट्स क्लियर परचेज का, ये लीजिए कट लगा रहा हूं मैं परचेज पे भी, हमारा परचेज अकाउंट भी बन गया, कैश अकाउंट पहली बन चुका, कैश अकाउंट पहली बन चुका, देखो मैं रोंग लगा रहा हूं क्योंकि कैश अकाउंट बन चुका है पहली, कैश अकाउंट आप पहली बना चुके हो, अब ये नहीं कि 10 बार कैश आएगा तो सकता है आप सब पे तुरंत कट लगाते चले हो। अब बताओ अगला कौन सा अकाउंट है, सेल्स, अगला कौन सा अकाउंट है, सेल्स। अरे जब तुम कैश अकाउंट बना चुके तो कैश चाहे कितनी बार आ रहा हो सब पे कट लगना है, क्योंकि वो सारी एंट्रीज के अंदर आ चुकी है पहले से ही। तो अगला कौन सा नाम आ गया, अब अगला आ गया सेल्स अकाउंट, तो यहां कौन सा अकाउंट आ गया हमारा, सेल्स अकाउंट। आइए अब हम यहां अपना बनाएंगे सेल्स अकाउंट, मतलब जितने नाम आते रहेंगे उतने अकाउंट बनते चलेंगे, इन्हीं को हम लेजर बोलते हैं। ये लीजिए सेल्स अकाउंट बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा, अब हमारा
सेल्स अकाउंट बन जाएगा। अब हम काय पर ध्यान देंगे, अब हम सिर्फ ध्यान देंगे काय पर, सेल्स पर, और किसी चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब यहां पर हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, जब यहां सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो सेल्स की डेबिट साइड तो ये वाली हो गई और क्रेडिट साइड ये वाली हो गई। बताओ, हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, जब सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो जरा मुझे देख के बताओ कि सेल्स कहां है, सेल्स है क्रेडिट साइड में। भाई समझो बहुत ध्यान से, हम यहां पे अपना सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, जब सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो काय पर ध्यान दोगे, सेल्स पर ध्यान दोगे। जोन सा अकाउंट बनाते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जब हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो काय पर ध्यान दोगे, सेल्स पर ध्यान दोगे। बताओ सेल्स कहां पे है, ये क्रेडिट साइड। अरे डेबिट साइड तो ये वाली होती है, क्रेडिट साइड ये वाली होती है, तो सेल्स क्रेडिट में है। तो देखो 20,000 रुपए कहां पे आ गए, 20,000 रुपए क्रेडिट साइड में आ गए, 20,000 रुपए क्रेडिट में। अब बताओ नाम, बताओ नाम क्या डालूं, सेल्स के ऊपर नाम क्या बच रहा है, अरे सेल्स के ऊपर क्या नाम बच रहा है, कैश। तो यहाँ क्या नाम आएगा भाई, कैश के नाम से आएगा भाई, कैश। कितने रुपए, 20,000। जब हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो काय पर ध्यान देंगे, हम सेल्स पर ध्यान देंगे। जब सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो सेल पर ध्यान देंगे। तो सेल्स कहां पे है, सेल्स क्रेडिट साइड में। अरे टू का मतलब क्रेडिट साइड से होता है, और जब सेल्स क्रेडिट में है तो देखो 20,000 रुपए कहां पहुंच गए, 20,000 रुपए क्रेडिट पे पहुंच गए, ये क्रेडिट साइड ही होगी हमारी 20,000 रुपए। क्या पूरे सवाल में कहीं और सेल्स आ रहा है, पूरे सवाल में कहीं और सेल्स नहीं है। तो बताओ यहां तो आ गए 20,000 रुपए, यहां तो 20,000 रुपए आ गए, कहां पे कम पड़ रहे हैं, कहां कम पड़ रहे हैं, टू में कम पड़ रहे हैं। जब टू में कम पड़ रहे हैं तो यहां किस नाम से डालोगे, टू बैलेंस सीडी। कितने रुपए, ये 20,000 है तो यहां भी कितना अमाउंट आ गया, 20,000 रुपए अमाउंट आ गया, दोनों तरफ का टोटल बराबर 20,000 और 20,000। बताओ ये अकाउंट आपको बनाने आ रहे हैं, तो बेटा आपको अकाउंट इस तरीके से बनाने हैं। इधर ध्यान दो, जब हमने कैश अकाउंट बनाया तो कैश में नाम बहुत जगह आ रहा है, जब कैश में नाम बहुत जगह आ रहा है तो देखो कैश का अकाउंट भी काफी बड़ा बना है, कि कैश कई बार आ रहा है। लेकिन कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनके तो नाम कितनी कितनी बार आ रहे हैं, बस एक एक बार नाम आ रहे हैं। जब इनके नाम एक एक बार आ रहे हैं तो देखो इनके खाते भी एक एक लाइन के बन गए सारे सारे। फिर समझो, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, जब तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो काय पर ध्यान दोगे, कैपिटल पर तो ध्यान दोगे। जब तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल पर ध्यान दो, तो बताओ कैपिटल कहां पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। तो देखो 70,000 रुपए कहां पहुंच गए, क्रेडिट पर पहुंच गए, 70,000 रुपए कहां पहुंच गए, क्रेडिट पर पहुंच गए। तो यहां कम पड़ रहे हैं, इधर 70 आ गए, तो जब यहां 70 है तो यहां भी 70 लाने पड़ेंगे, तो क्या आ गया, बैलेंस शीट, खाता बंद। फिर आपने क्या बनाया, परचेज अकाउंट बनाया। जब आपने परचेज अकाउंट बनाया तो काय पर ध्यान दोगे, परचेज पर। और बताओ परचेज कहां पे है, परचेज डेबिट में है। जब परचेज अकाउंट बना रहे तो परचेज डेबिट में है, तो 10,000 रुपए देखो 10,000 रुपए डेबिट साइड में आ गए, तो यहां तो 10,000 रुपए आ गए, अब कहां पे कम पड़ रहे हैं, इधर कम पड़ रहे हैं, तो क्या बन गया, बैलेंस शीट। बोलो फिर आपने क्या बनाया, फिर आपने बनाया सेल्स अकाउंट। सीरियल वाइज जैसे जैसे नाम आते रहेंगे वैसे वैसे अकाउंट बनते चले जाएंगे। फिर कौन सा अकाउंट बनाया आपने, सेल्स अकाउंट बनाया, तो काय पर ध्यान दोगे, सेल्स पर। बताओ सेल्स कहां पे, ये देखो सेल्स क्रेडिट में है। जब सेल्स क्रेडिट में है तो देखो ये क्रेडिट साइड, तो देखो 20,000 रुपए क्रेडिट साइड में आ गए, नहीं आ गए, तो कहां कम पड़ रहे हैं, टू में, तो क्या बन गया, टू बैलेंस सीट। बस ऐसे तो बना के चलना, और करना है क्या इसके अंदर। अब बताओ हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, हमारा सेल्स अकाउंट बन गया। अब सेल्स के बाद क्या आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, फर्नीचर। जब सेल्स के बाद फर्नीचर का नाम आ रहा है तो अगला अकाउंट कौन सा बन जाए, फर्नीचर अकाउंट। अब हम अगला बनाएंगे अपना यहां पे नीचे, फर्नीचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा बन जाएगा, कुछ नया नहीं है। अब यहां पे हम अपना बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट, जैसे और बने ऐसे फर्नीचर अकाउंट बन जाएगा, कुछ नया नहीं है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वो ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब बताओ, अब हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, जब हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो काय पर ध्यान दोगे, फर्नीचर पर ध्यान देंगे। जब हम अपना फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो काय पर ध्यान देंगे, फर्नीचर पर ध्यान देंगे। तो बताओ फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो, बताओ फर्नीचर कहां पे है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, तो फर्नीचर कहां पे है, फर्नीचर डेबिट में है। जब डेबिट में है तो 3,000 रुपए डेबिट में डालो, और बताओ फर्नीचर के नाम किसका है, कैश का। तो यहां पे क्या नाम आ जाएगा, टू कैश, ये लीजिए, बन गया फर्नीचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा, जब फर्नीचर का एक ही नाम है तो आप एक ही नाम तो डालोगे। तो बताओ फर्नीचर यहां पे कहां पे है, फर्नीचर यहां डेबिट में है। जब फर्नीचर डेबिट में है तो डेबिट साइड में आपने 3,000 डाल दिए, नाम कैश का आएगा। बताओ क्या पूरे सवाल में और कहीं फर्नीचर है, पूरे सवाल में फर्नीचर का नाम और कहीं नहीं है।
तो बताओ यहां तो आ गए 3000 रुपए, कहां पे कम पड़ रहे हैं? इधर कम पड़ रहे हैं। मैंने कहा था जिधर कम पड़ेंगे क्या डालेंगे, बैलेंस सीडी। तो यहां क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी कितने रुपए, 3000 रुपए। जब यहां पे 3000 रुपए हैं तो यहां भी 3000 लाने पड़ेंगे, तो क्या नाम डालेंगे, बाई बैलेंस सीडी। बस टोटल कर दो 3000 और 3000, तो यहां भी 3000 रुपए आ गए, यहां भी 3000, यहां भी 3000। बताओ जी पॉइंट सबके बेटा क्लियर होंगे नहीं होंगे? तो ये क्या बन रहा है, ये सब लेजर बन रहे हैं। ये लेजर हमें क्या बात बता रहे हैं, ये लेजर हम अलग अलग नाम के बता रहे हैं। ये पता चल पा रहा है कि हर नाम, जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर नाम है, सभी नाम की स्थिति कैसी है, सभी नामों की सिचुएशन कैसी है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी, कितना फर्नीचर खरीदा, कितना रेंट दिया, तो ये सब अकाउंट हमें इस बात को बता रहे हैं। इसी का नाम होता है क्या, लेजर। बताओ बेटा पॉइंट सबके क्लियर हो गए होंगे? ठीक है, जल्दी बेटा सब लोग इसे कॉपी करिए बहुत जल्दी से।
आप बेटा सबने कॉपी कर लिए भाई। मैं समझता हूं कि बेटा देखो यहां तक के सारे पॉइंट सबके क्लियर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें करना क्या है बेटा, देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, जब चैप्टर आज हमारा ये स्टार्ट हुआ है देखो थोड़ा टाइम तो बेटा इसमें जरूर लगेगा, लेकिन एक ही बार दो तीन क्लासों में टाइम लगना है जो भी लगना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत बिल्कुल आएगी ही नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा सारी जनरल एंट्री बनाना। फिर जनरल एंट्री के बाद जैसे जैसे नाम आते रहे आप उसके हिसाब से फिर अपने इसमें अकाउंट बनाओ। जनरल एंट्री बनाने के बाद पहला नाम क्या आ रहा है, पहला नाम यहां पे कैश अकाउंट आ रहा है। तो देखो पहले आपने कौन सा अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट। फिर अगला क्या नाम आ रहा है, कैपिटल। तो अगला अकाउंट आपने कौन सा बनाया, कैपिटल। फिर उसके बाद क्या नाम आ रहा है जी, फिर उसके बाद आ रहा है परचेज। तो आपने कौन सा बनाया, परचेज अकाउंट। फिर परचेज के बाद फिर अगला नाम क्या आ रहा है, सेल्स। तो आपने सेल्स अकाउंट बना दिया। फिर फर्नीचर आया तो आप फर्नीचर अकाउंट आपने बना दिया। अब उसके बाद क्या आ रहा है नाम, रेंट अकाउंट। जब रेंट आ रहा है तो कौन सा अकाउंट बनाओगे, रेंट बनाओ। तो रेंट में क्यों बताऊं आपको, जब आपने फर्नीचर अकाउंट बना दिया तो फर्नीचर अकाउंट के नीचे कौन सा अकाउंट बनाओगे, रेंट अकाउंट। और देखो रेंट कहां पे है, रेंट डेबिट में है। जब रेंट डेबिट में है तो आप एक हजार रुपये डेबिट साइड में डालोगे, टू कैश के नाम से। बिल्कुल देखो सेम ऐसी है जैसे फर्नीचर अकाउंट है ना, बिल्कुल सेम ऐसी भाई, यहां डाल देना रेंट अकाउंट। और रेंट अकाउंट डाल के रेंट कहां रहा है, रेंट डेबिट में एक हजार रुपए। तो यहां टू कैश एक हजार रुपए, बाई बैलेंस सीडी एक हजार रुपए, अकाउंट बंद, बन गया रेंट अकाउंट। बताओ क्या नई चीज है बेटा। अब रेंट के बाद कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट तो पहली बन चुका है। अरे कैश पर कट लगा देना, ये कैश अकाउंट हम पहली बना चुके हैं, पहले नंबर पर कैश अकाउंट बना, तो कैश अकाउंट की बात मत करो बिल्कुल भी। अब अगला अकाउंट कौन सा रहा है, कमीशन। तो कौन सा अकाउंट बनाओगे, अब फर्नीचर के नीचे बन गया रेंट अकाउंट, फिर रेंट के नीचे कौन सा बनाओगे, कमीशन अकाउंट। और जब रेंट के नीचे तुम कमीशन अकाउंट बनाओगे तो कमीशन कहां पर आ रहा है, कमीशन क्रेडिट में आ रहा है। तो 2000 रुपए कहां पहुंच गए, 2000 रुपए क्रेडिट में पहुंच गए बाई कैश के नाम से। और क्या पहुंच, क्या बन गया, टू बैलेंस सीडी वाला अकाउंट भी बंद हो गया। बताओ भाई अगले दोनों अकाउंट तो बना लोगे बेटा, रेंट अकाउंट भी और कमीशन अकाउंट, बिल्कुल जैसे आपने वाले अकाउंट बनाए ऐसे ही क्लियर के वो दोनों अकाउंट आराम से बन जाएंगे। बताओ बेटा पॉइंट सबके क्लियर रहनी है, इसी को बोलते हैं लेजर। तो एंट्रियों में जितने भी नाम होंगे, इन एंट्रियों में जितने भी नाम होंगे उतने ही यहां पे अकाउंट बनते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लेजर बोलते हैं। बेटा देखो आज मैंने आपको ये कराया है, थोड़ा कम समझ में आएगा ध्यान रखना, कल वाली क्लास में आपको कुछ इससे कुछ ज्यादा समझ में आएगा और परसों आप इसके अंदर बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे बेटा, है ना। तो आज मैंने आपको कराया है, आज आप नया क्वेश्चन कुछ मत करना, बस इसी क्वेश्चन को बेटा, इसी क्वेश्चन को आप पूरा करना और इसके नीचे बच्चे में दोनों अकाउंट आप सब लोग जरूर बना के लाना, ठीक है ना। कल हम ऐसे एक दो सवाल ऐसे और करेंगे तो कोई छोटा मोटा डाउट हो कल वो अपना भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये वाला क्वेश्चन सब लोग घर पे जरूर रिवाइज करना, बाकी कल चलेंगे।